हेलो दोस्तों, देखिए दोस्तों, आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। देखिए दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि इनमें से सभी प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं अजीत चौहान स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी कोचिंग क्लासेस में। देखिए दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे रीजनिंग के पांच अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। देखिए दोस्तों, ये रीजनिंग का पार्ट नंबर 46 है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर पहले में क्या दिया है? दिए गए विकल्पों में उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए अंक का गलत पद ज्ञात कीजिए, यानी कि क्या करना, हमें गलत संख्या ज्ञात करना है। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है, इन्हीं में से एक ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना है। देखिए क्वेश्चन के दे 5, 25, 61, 113, 181, 266, 365, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में क्या करेंगे, देखिए पांच काम कुछ ऐसा करें कि यहाँ पर 25 आ जाए, 25 का कुछ ऐसा करें कि 61 आ जाए, ठीक है। यानी कि कोई भी स्टेप अपनाएंगे इसमें, कोई ऐसा स्टेप अपनाएंगे कि हमारी संख्या प्राप्त होती चली जाएंगी, तो हमें पता चल जाएगी कौन सी संख्या गलत है। तो चलिए दोस्तों, सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर पाँच दिया है तो हम पाँच कैसे लगेंगे, देखिए एक का वर्ग कर देते हैं प्लस, एक का वर्ग कर दिए, ठीक है, प्लस दो का वर्ग कर देते हैं तो कितना हो जाएगा। देखिए एक का कितना भी वर्ग कर लीजिए वो एक ही होता है, ठीक है, और दो का वर्ग करेंगे तो चार हो जाएगा, यानी कि चार एक हो जाएगा और चार हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, पाँच हो जाएगा। हमने क्या किया, एक प्लस एक का वर्ग प्लस दो का वर्ग, ठीक है, यानी कि एक प्लस चार यानी कि हो गया पाँच। देखिए यहाँ पर पाँच आ गया। अब उसी तरह से क्या करेंगे, देखिए एक और एक का वर्ग हो गया, दो का वर्ग हो गया, अब क्या करेंगे, तीन का वर्ग करेंगे, तीन का वर्ग और प्लस चार का वर्ग करेंगे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो अब इसे सॉल्व करेंगे, देखिए तीन तीन के नौ होता है, ठीक है, और चार चौको 16, 16 में अगर नौ जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर आ गया 25, ठीक है। अब उसी तरह से क्या करेंगे, देखिए तीन चार हो गया, अब क्या, पाँच का वर्ग प्लस छः का वर्ग, क्या करेंगे, पाँच का वर्ग प्लस छः का वर्ग, यानी कि देखिए कितना हो जाएगा, पचवा 25, ठीक है, प्लस छठवा 36, दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 61 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 61 हो जाएगा। देखिए हमने क्या कर रहे हैं, एक का वर्ग किए, दो का वर्ग किए, तीन का, फिर चार का, फिर पाँच का, अब छः का, अब कितना करेंगे, सात का वर्ग करेंगे और प्लस आठ का वर्ग करेंगे, ठीक है, आठ का वर्ग करेंगे। अब इसे आपस में हम जोड़ लेंगे, यानी देखिए सात का वर्ग कितना होता है, 49 होता है, आठ का वर्ग कितना होता है, 64, ठीक है, इसे आपस में जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 113 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 113। तो चलिए दोस्तों, अब और भी ज्ञात करते हैं, यानी कि 181 कैसे आया है, देखिए आठ का, यानी कि आठ का भी हो गया, अब क्या, किसका वर्ग करेंगे, नौ का वर्ग करेंगे और प्लस 10 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 9 का वर्ग कितना होता है, 81, और 10 का वर्ग 100, यानी कि 181 आ जाएगा। देखिए कितना आ गया, 181 आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, 11 का वर्ग करेंगे प्लस 12 का वर्ग करेंगे, देखिए अब क्या करेंगे, 11 का वर्ग कितना होता है, 121 होता है, ठीक है, और प्लस 12 का वर्ग कितना होता है, 144 होता है, ठीक है, इसे आपस में जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 265, 265 हो जाएगा। यानी कि देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या दिया, 266, ठीक है, यानी कि गलत संख्या हमारी यहीं पर है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ठीक है, तो 266। देखिए दोस्तों, अब इसे भी ज्ञात कर लेते हैं, देखिए 12 का वर्ग हो गया, आप किसका वर्ग करेंगे, 13 का वर्ग करेंगे और प्लस 14 का वर्ग करेंगे, ठीक है, 12 का वर्ग किए हैं, ठीक है, अब 13 का वर्ग करेंगे और 14 का वर्ग करेंगे। देखिए दोस्तों, 13 का वर्ग करेंगे और 14 का वर्ग करेंगे, जो संख्या आएंगे उनको आपस में जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, 365 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 365। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 365 दिया हुआ है, ठीक है, तो हमने क्या ज्ञात किया, देखिए क्या किया, एक का वर्ग किए, फिर दो का वर्ग किए तो पाँच आ गया, ठीक है, तीन का वर्ग किए और चार का वर्ग किए तो 25 आ गया, ठीक है, और 25 का वर्ग किए, सॉरी, पाँच का वर्ग किए प्लस छः का वर्ग किए और आपस में जोड़ लिए तो 61 आ गया, ठीक है, और सात का वर्ग किए प्लस आठ का वर्ग किए और इन दोनों को आपस में जोड़ लिया तो 113 आ गया, ठीक है, और क्या किया, नौ का वर्ग किया और प्लस 10 का वर्ग किया तो इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ लिया तो हमारा 181 आ गया। और फिर क्या किए, 11 का वर्ग किए प्लस 12 का वर्ग किए, ठीक है, इनको इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ लिया तो हमारा कितना आया, 265, और यहाँ पर कितना दिया था, 266, यानी कि गलत संख्या हमारी 266 थी, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दूसरे का नीचे दिए गए प्रश्न में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों क्या करना है हमें इस क्वेश्चन में, गलत संख्या ज्ञात करना है। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इन्हीं में से एक ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना है। देखिए दोस्तों प्रश्न में क्या दिया है, 3, 5, 225, 5, 7, 1225, 7, 9, 3970, ठीक है। तो देखिए दोस्तों ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो ऐसे प्रश्न आपको सॉल्व करने हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना होगा। तो चलिए दोस्तों इसे सॉल्व करते हैं। देखिए तीन और पाँच में हम कुछ ऐसा करें कि यहाँ पर 225 आ जाए, ठीक है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए क्या करेंगे, 3 × 5 कर देते हैं, क्या करेंगे 3 × 5 कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा, ठीक है। 3 × 5 में करेंगे 15 आ जाएगा, 15 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 225 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 225 आ जाएगा। देखिए दोस्तों हमारी संख्या प्राप्त हो गई, हमने क्या किया 3 और 5 आपस में गुणा कर दिया, ठीक है, और जो संख्या प्राप्त हुई उसका वर्ग कर दिए तो हमारी ये वाली संख्या प्राप्त हो गई, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इसी तरह इसे भी सॉल्व करते हैं। देखिए क्या करेंगे, 5 × 7 यानी कि 5 का और 7 का आपस में गुणा कर लेते हैं, ठीक है, और क्या हो जाएगा, 7 × 5 = 35 हो जाएगा। 35 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1225, कितना हो जाएगा, 1225। देखिए दोस्तों कितना आ गया, 1225, यानी कि ये वाला भी संख्या सही है, ठीक है, ये दोनों संख्याएं सही है। देखिए दोस्तों इसे सॉल्व करते हैं, देखते ये संख्याएं कितनी आती है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, 7 × 9 कर देते हैं, कितना कर देते हैं, 7 × 9। देखिए इनमें आपस में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए कितना हो जाएगा, 63, कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम 63 का वर्ग करेंगे, ठीक है, 63 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 63 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा पता है, 3969 आएगा, कितना आएगा, 3969। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या दिया है, 3970, यानी कि यही हमारी गलत संख्या है, ठीक है। हमने क्या किया है, 3 का और 5 में गुना किया था और उसका वर्ग कर दिए तो हमें ये संख्या प्राप्त हो गई, ठीक है, और 5 और 7 में गुना किए और उसका उन जो संख्या प्राप्त हुई उसका वर्ग कर दिए तो 1225 प्राप्त हो गया। उसी तरह हमने क्या किया, 7 का और 9 का गुना किया, 63 आया, 63 का वर्ग कर दिए तो कितना आ गया, 3969, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि 3970 ही गलत संख्या है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भी प्रश्न बहुत ही आसानी समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर तीसरे में दिए गए प्रश्न में अक्षर संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि क्या ज्ञात करना है, खाली स्थान, ठीक है। देखिए दोस्तों ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो चलिए दोस्तों इसे सॉल्व करते हैं। देखिए चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से एक ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना है। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया, XUROL और खाली स्थान, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए क्या करेंगे पहले यक्स किस स्थान पर पड़ता है, देखिए किस स्थान पर पड़ता है, 24, इसको पहले अंक में बदल लेंगे, ठीक है। देखिए यह 24 और यू किस स्थान पर पड़ता है, 21, ठीक है, और आर किस स्थान पर पड़ता है, 18, ठीक है, और ओ किस स्थान पर पड़ता है, 15, और यल किस स्थान पर पड़ता है, 12, ठीक है। तो हमने क्या किया, पहले इसको अंक में कन्वर्ट कर लिया। देखिए दोस्तों हमने इसे कैसे कन्वर्ट किया, ABCD आप जानते हो कि ABCD में कितने अक्षर होते हैं, 26, ठीक है, तो उसी में से यक्स 24 स्थान पर पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए जैसे A एक स्थान पड़ेगा, B 2 स्थान पड़ेगा, उसी तरह यक्स 24 स्थान पड़ेगा, U 21 स्थान पर पड़ेगा, और R 18, और O 15, और L 12, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इसे सॉल्व करते हैं। देखिए अब क्या करेंगे, देखिए 24 और 21 के बीच का गैप कितना है, 24 में क्या क्या है, -3 कर दिया है, ठीक है, -3 कर दिया है, तो कितना हो गया है, -3 किया है तो 21 हो गया है, ठीक है, और फिर क्या किया है, 21 में -3 क्या होते को क्या हो गया है, 18 हो गया है, ठीक है। तो क्या किया है, 21 में -3 किया तो 18 हो गया, और 18 में -3 किया है तो 15 हो गया है, ठीक है, और 15 में -3 किया है तो 12 हो गया है, ठीक है, यानी कि सब में 3-3 माइनस करता आ रहा है। तो उसी तरह क्या करेंगे, यल में से हम क्या करेंगे, 12 में से -3 कर देंगे तो कितना बचेगा, 9 बचेगा, 9 के स्थान पे क्या आता है, आई आता है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों हमने क्या किया, पहले अक्षर को
अंक में कन्वर्ट किया, उसके बाद इनकी श्रृंखला बनाई, ठीक है। और उस श्रृंखला देखिए माइनस में थी, 24 में से माइनस 3 किए तो 21 आ गया, 21 में से माइनस 3 किए तो 18 आ गया, 18 में से माइनस 3 किए तो 15 आ गया, 15 में से माइनस 3 किए तो 12 आ गया, और 12 में माइनस 3 किया तो 9 आ गया। और 9 किस स्थान पर पड़ता है? आई स्थान पर पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह प्रश्न आप बहुत ही आसानी समझ में आ रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, 89 भागे 3 = 51, ठीक है, और 58 भागे 4 = 52, और 56 भागे 5 = 55, तो 54 भागे 6 = क्या होगा, यही हमें सॉल्व करना है। तो चलिए दोस्तों हम बहुत ही आसानी से सॉल्व करेंगे। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। देखिए दोस्तों हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, 89 भागे 3। देखिए 89 में क्या करते हैं, 89 का हम क्या कर लेंगे, 8 + 9 कर लेते हैं। देखिए क्या किया हमने, 8 और 9 के बीच में प्लस कर दिया और भागे के स्थान पे गुना कर दिया और 3 कर दिया। तो देखिए दोस्तों अब इसे आपस में जोड़ लेते हैं, देखिए क्या हो जाएगा, 8 9 कितना होता है, 17 हो जाएगा। 17 में 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 * 51। देखिए दोस्तों यहाँ पर 51 आ गया। हमने क्या किया, 8 और 9 को आपस में जोड़ लिया और ये 3 से गुना कर दिया, यानी कि हमारी संख्या 51 प्राप्त हो गई। 17 में 3 से गुणा करेंगे तो 51 आ जाएगा। उसी तरह अब इसमें भी हम ज्ञात करेंगे, देखिए क्या करेंगे, 5 और 8 को आपस में जोड़ लेंगे, ठीक है, 5 और 8 को आपस में जोड़ लेंगे और किससे गुना करेंगे, 4 से। देखिए क्या किया, भागे के स्थान पर क्या कर दिया है, गुना कर दिया है, ठीक है। तो अब चलिए सॉल्व करते हैं, देखिए क्या हो जाएगा, 8 और 5 कितना होता है, 13। 13 में हम 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 * 54 = 52 होता है। देखिए दोस्तों यहाँ पर भी 52 आ गया, ठीक है। हमने क्या किया, 5 और 8 को जोड़ दिया और भागे के स्थान पे गुना कर दिया, ठीक है। तो हमने क्या किया, 13 में 4 से गुना कर दिया, यानी कि 8 5 13 हो गया और 13 में 4 से गुना किए तो 52 आ गया, ठीक है। अब उसी प्रकार इसे भी करेंगे, देखिए 5 + 6, ठीक है, और इनमें गुणा कर देते हैं 5 से तो क्या हो जाएगा, देखिए 6 + 5 कितना हो जाता है, 11। 11 * 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 * 5 = 55 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 11 * 5 = 55। देखिए दोस्तों यहाँ पर 55 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसे भी हमने सॉल्व कर लिया। देखिए दोस्तों अब इसे हम सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए क्या करेंगे, 5 + 4 कर लेते हैं, ठीक है, और * 6 कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, देखिए 5 और 4 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 9, और 9 में 6 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 9 * 6 = 54। देखिए क्या हो जाएगा, 54 क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आ जाएगा, 54। देखिए इसमें क्या किए, 5 और 4 को आपस में जोड़ लिए और 6 से गुणा कर दिए, भागे के स्थान पे गुणा, तो कितना आ गया, 54 आ गया। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे 54 भरा जाएगा, यानी कि किस में दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये सभी प्रश्न आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5वां, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5वां क्या, नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों लुप्त संख्या यानी कि मिसिंग नंबर, ठीक है, यानी कि रिक्त स्थान, देखिए इसी को हमें सॉल्व करना है। देखिए दोस्तों 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन में क्या दिया, 1 2 5 10 17 26, तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसानी से सॉल्व करेंगे मात्र कुछ ही सेकेंड में। तो चलिए दोस्तों इसे सॉल्व करते हैं, देखिए क्या करेंगे, 1 और 2, 1 और 2 में क्या किया है, 1 में क्या किया है, 1 जोड़ दिया है, 1 में 1 जोड़ा है 2 हो गया, ठीक है, और 2 में क्या किया है, 2 में 3 जोड़ा है तो 5 हो गया, ठीक है, और 5 में कितना जोड़ा है कि 10 हो गया है, 5 में 5 जोड़ा है तो 10 हो गया है, और 10 में क्या जोड़ा है, 7, 10 में 7 जोड़ा है तो 17 हो गया है, ठीक है, और 17 में क्या जोड़ा है कि 26 हो गया है, 17 में 9 जोड़ा है तो 26 हो गया है। देखिए क्या हुआ, पहले 1 में 1 जोड़े तो 2 हो गया, ठीक है, यानी कि देखिए इसमें 1 का गैप था, ठीक है, उसके बाद कितना गैप हो गया, 2 2 का गैप है, देखिए 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, यानी कि 1, देखिए इसमें का संख्या 1 गायब हो गया, यानी कि 2 को हटा दिया, ठीक है, उसके बाद 3 आ गया, फिर 4 को हटा दिया, फिर 5 आ गया, ठीक है, फिर 6 को हटा दिया, फिर 7 आ गया, फिर 8 को हटा दिया, फिर 9 आ गया, यानी कि 1 1 संख्या मिसिंग करता हुआ चला गया। तो इसमें क्या करेंगे, देखिए दोस्तों क्या करेंगे, 10 को मिस कर देंगे तो 11 को ले लेंगे, यानी कि अब 26 में हम 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 26 में हम 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा,
37 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 37 हो जाएगा। देखिए किस ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों क्या हुआ, एक में हमने एक जोड़ा तो दो हो गया, दो में हमने तीन जोड़ा तो पाँच हो गया, पाँच में हमने पाँच जोड़ा तो दस हो गया, दस में हमने सात जोड़ा 17 हो गया, 17 में नौ जोड़ा तो 26 हो गया, और 26 में हमने 11 जोड़ा तो 37 हो गया। ठीक है, यानी कि बीच का कितना गैप था, एक एक का गैप था। ठीक है, तो हमारी संख्या 37 आ गई। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये सभी प्रश्न आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गए होंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलो। आज के लिए बस इतना ही।